आज हम आप लोगों के फेफड़ों की क्षमता नापने वाले हैं और वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लंग कैपेसिटी ऑफ यू. सो आई नीड टू वॉलंटियर्स क्विकली. एक इधर से आ जाए, आप आए जल्दी आइए, और एक और जना कोई आ जाए, कोई आप में से आप आ जाइए. क्या नाम है? विजय कुमार सर. और सीमा. क्या लगता है किसकी फेफड़ों की हवा ज्यादा होगी, सीमा मैडम या विजय कुमार सर? सीमा मैडम. कितनी है इनके फेफड़ों की क्षमता, कितनी होगी अंदाजा बताइए. हाउ मच एयर कैन देयर लंग्स होल्ड? 2.5 liters. और कोई? 1.5 liter. इधर 5 liter. 5 liter, बहुत बढ़िया. और आपने क्या कहा? कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी बोल रहे हैं. और किसी को लगता है 100 ग्राम? आधा लीटर. पौना लीटर. किसी को लगता है ग्राम? 100 ग्राम? 100 ग्राम नहीं, 40 ग्राम. बहुत बढ़िया. 5 ग्राम? 250 ग्राम. 250 ग्राम. सो वी कैन, ऑफकोर्स द क्वेश्चन इज व्हेन वी आर मेजरिंग द कैपेसिटी, वी कैन मेजर दिस कैपेसिटी इन लीटर्स एज वेल एज ग्राम्स, बोथ वेज, दैट वी आर कन्विंस्ड, राइट? इवन दो इट इज एयर, इट हैज वेट, वी जस्ट सॉ, सो इट कैन बी मेजर्ड एज लीटर्स और इवन इन ग्राम्स और किलोग्राम्स और व्हाटएवर. तो चलिए करके देखते हैं. आपको क्या करना है, ये पकड़ लीजिए, पहले आप जाएंगे, ठीक है. आपको क्या करना है, लंबी सांस लेनी है, हो गया? नहीं, बहुत कम हुआ है. ये कम हुआ है, ये कितनी हवा, इनको योगा करने की जरूरत है. हाउ मच? 1.5 लीटर. कैसे पता करें कितनी है? वी कैन फिगर आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर. दिस इज द रेडियस, दिस इज पाई आर स्क्वायर एच और वट एवर, बट अ बेटर एस्टिमेट इज टू सॉर्ट ऑफ सी दैट इसकी जो चौड़ाई है या इसका जो व्यास है वो एक साधारण बॉटल के बराबर है, 1 लीटर की बोतल. तो यहां तक 1 लीटर हो गए और यहां तक लगभग 2 लीटर. चलिए अब आपका नंबर. इनका आई होप ये बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा था प्राण ही निकल जाएंगे अंदर सारे इसके अंदर घुस गए. छोड़ दीजिए, ये तो कुछ ज्यादा हवा आ गई. कितना है? 1, 2, 3, 3.5. कुछ ज्यादा हो गया. ओके, नाउ वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट कम्स अप इन माय माइंड. इसके अंदर जो भी हवा है, अलग अलग तरह की हवाएं, सबसे ज्यादा कौन सी हवा है इसके अंदर? क्यों है? क्योंकि हमें यह लगता है कि जब भी हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड. हम ये भूल जाते हैं कि जो हवा हम ब्रीद अंदर कर रहे हैं, जो अंदर सांस ले रहे हैं, उसमें लगभग 80% नाइट्रोजन है, और उस नाइट्रोजन का अंदर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता. तो जितनी नाइट्रोजन अंदर थी जाएगी, उतनी ही अपने आप बाहर आ जाएगी. तो 80% अगर नाइट्रोजन हवा में अंदर गई तो उतनी हवा में बाहर आ जाएगी. ऑफकोर्स ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं वो कम हो जाती है. 20% हवा में ऑक्सीजन है, वो अगर अंदर जाती है तो निकलने वाली हवा में 16% ऑक्सीजन बाहर आती है, और 4% जो ऑक्सीजन कम हुई उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट इट मींस इज दैट द एयर दैट वी ब्रीद आउट हैज मोर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड. कई बार हमें लगता है जो बाहर हवा निकल रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है. 16% ऑक्सीजन है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड. वी कैन ऑल्सो डू दिस एक्सपेरिमेंट बिकॉज आई डू दिस योगा एवरी डे एंड आई हैव अनदर वे ऑफ डूइंग दिस एंड वी विल सी व्हाट इज माई, मेरी फेफड़ों की क्षमता कितनी है. थोड़ा सा हाथ ऊपर करिए, और मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है. सो नाउ इफ यू सी दिस इज ऑलमोस्ट 8, 9, 10 liters ऑफ एयर. क्या हो गया? ऑफकोर्स लाइक ही इज नोज, ही वाज शाउटिंग, चीटिंग कर ली.
क्या करा, आप लोगों से जब कराया तो मुंह में लगवा कर कराया, और मैंने जब करा तो दूर से रख के फूंक दिया. विच मीन्स इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है या जो इन्होंने करा था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है? जो उन्होंने करा था उसमें ज्यादा है. इसमें बाहर की हवा है जिसमें नाइट्रोजन है ही, और नाइट्रोजन तो दोनों में बराबर है, बट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है क्योंकि बाहर की हवा है. इससे जुड़ा हुआ एक बहुत छोटा सा प्रयोग है, आप सभी लोग कर सकते हैं. अपना हाथ लीजिए, मुंह के आगे उल्टा रखिए और धीरे से फूंकिए, ऐसे. गरम लगा, अब जोर से फूंकिए, अब थोड़ा ठंडा लगा. वही आपके शरीर की हवा, एक बार गरम लगती है, एक बार ठंडी लगती है, आपके शरीर की हवा. तो ऐसा कैसे हो गया? सेम हवा है. वही चीज जब हमने इसमें फूंक मारी, दूर से फूंक मारी, तो यहां पर क्योंकि हवा का स्पीड बढ़ा दी, जोर से फूंक मारी तो हवा का दबाव कम हो गया, लिहाजा बाहर की ज्यादा हवा अंदर, बाहर ज्यादा दबाव था, प्रेशर ज्यादा था, यहां पर लो प्रेशर है तो सारी हवा अंदर चली गई. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. सी, जब आप बड़ा मुंह खोलते हैं तो हवा की गति कम होगी, और जब पतला मुंह खोलते हैं तो हवा की गति ज्यादा होगी. सेम थिंग टू डू विद, जब आप पाइप से पानी डालते हैं, आगे से मुंह छोटा कर दें तो पानी ज्यादा दूर जाता है क्योंकि मुंह छोटा हो गया. या नदी बह रही है और नदी का रास्ता पतला हो तो पानी का बहाव तेज हो जाता है, एंड सो वहां पर प्रेशर कम है तो बाहर की हवा आएगी, इसलिए आपको तेज हवा में ठंडा लगेगा. वो 37 डिग्री या व्हाटएवर 37 डिग्री की हवा है, और बाहर जो हम कर रहे हैं अभी, यहां पर तापमान कुछ 20-22 डिग्री होगा तो 22 डिग्री लगता है. सो दैट इज अनदर वे ऑफ, एंड इसी सिद्धांत को बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौलीज प्रिंसिपल कहते हैं. When the speed increases, the pressure reduces. So that's why we call this activity the Bernoulli's bag. इसमें जो हमारा ये हवा थी हमारी, ये मान लीजिए, for now let's assume this is 12 liters of air. तो इसका वजन कितना होगा? How much is the mass of this air? Right? How do we figure that out? We of course need to find out the density, because if we sort of have volume and to get the mass, we will have to get the density. So density कैसे निकालें? या एक और तरीका सवाल पूछ सकते हैं कि जो हमारी air है इसमें, for now let's assume that 80% nitrogen and 20% oxygen, बाहर की हवा में, वही हवा अंदर है, तो इसका molecular mass क्या होगा? Molecular mass मिली हुई mixture का, तो उसको करने के लिए हम दो चीजें कर सकते हैं. वी हैव नाइट्रोजन एंड वी हैव ऑक्सीजन. दिस इज इन रेशियो 80:20 और 4:1. इसका वेट कितना है? 28. और इसका वेट 32. सो वी नो दैट द एयर, the weight of the air will be between, molecular weight of the air will be between 28:32, in which ratio? 4:1. And we know the best way to do this is to, क्या कर सकते हैं, formula क्या कहता है, 28 को 4 से गुणा करें और 32 को 1 से गुणा करें और सभी को 5 से भाग दे दें. 28 times 4 plus 32 times 1 divided by 5, whatever that is, for now we will forget. अभी भूल जाते हैं. ये मान लीजिए, अभी छोटी सी कल्पना करते हैं, 80 की जगह मान लीजिए ये 75:25 है नहीं? For now just let's assume that it is 3:1. अब क्या दिखता है, क्या वेट होना चाहिए, अनुपात? So it is between 29:32. अगर ये 50-50 होता तो आंसर भी बीच का 30 हो जाता, क्योंकि ये नाइट्रोजन ज्यादा है तो हमारा आंसर नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा होना चाहिए. सो इन दोनों के बीच में अगर हमारा कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 28, 29, 30, 31, 32. सो इफ इट इज हाफ हाफ देन दिस इज अवर मॉलिक्यूलर वेट, बट इफ इट इज 3:1 देन this is and this is
So the answer should be 29. Please convince yourself that the answer, I divided the difference in 4 parts and the answer has to be towards nitrogen because it has more number, more parts. So the answer is 29. Essentially, but actually the answer was 80-20. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा ये ये 4:1 जो था अब ये 28 से लेकर 30 तक कितने पार्ट्स में बांटना पड़ेगा 5 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा ईच पार्ट इज 0.8 राइट सॉरी 32 सो ईच पार्ट इज 0.8 Because 4 divided by 5, 0.8. So which means our answer will be 28.8. I did not have to do any calculations and you can do. Agar aap isko karenge, to aapka 28.8 hi aayega. The reason we did this exercise is a lot of times we do not need to do actual calculations just by understanding what ratio and proportion means and in which ratio we have to divide where. जो ज्यादा वेटेज है उत्तर उसकी तरफ रहेगा नाइट्रोजन इज मोर सो द वेट विल बी मोर टुवर्ड्स नाइट्रोजन इट कैन नॉट बी मोर देन 30 इट हैज टू बी लेस देन 30 इफ द ऑक्सीजन कैपेसिटी परसेंटेज वाज मोर देन द आंसर विल बी बिटवीन 30 एंड 32 इन दिस केस द आंसर विल बी बिटवीन 28 एंड 30 एंड आई डिवाइडेड अप्रोप्रिएटली इनटू यू नो इधर 4 पार्ट्स और 5 पार्ट्स इन दिस केस 5 पार्ट्स एंड आई गॉट दिस आंसर एज 28.8 विदाउट Doing any calculations, this is the power of approximation.